हे भगवान, अब क्या होगा भाभी? वो तलवार इसी दीवार में है। हम आपको ये तलवार नहीं लेने देंगे। मिश्री जी, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें इस ट्रैप से निकलना होगा, इसके अलाइनमेंट से निकलना होगा। चलिए, मैं अंशु और प्रिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वैदेशी बात मान लो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आज। वैदेशी, आज मैंने तो कहा था कि हमें इस नए दरबार से दूर रहना, तो फिर तुम दोनों भाग क्यों चले गए? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, तुम दोनों यहाँ क्यों आए? क्या मकसद है तुम्हारा? हमसे लड़ना चाहते हो? हम लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई सिर्फ तब खत्म होगी जब इस प्रलय तलवार से किसी एक पक्ष का खून बहेगा। नहीं माँ, इस तलवार से किसी का खून नहीं बहेगा। क्योंकि आप दोनों में से कोई भी इस तलवार को इस्तेमाल नहीं कर सकती है। किसने कहा? साहिर है। इस तलवार का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसे इस पत्थर से निकालना होगा। और ना वो आप कर सकती है और ना ही आप। ये तो आप दोनों को अच्छे से याद होगा। इसका मतलब इस तलवार से किसी को खतरा नहीं है। हाँ, ये सच है कि हम दोनों इस तलवार को नहीं निकाल पाए, लेकिन कोई ना कोई तो है जो इस तलवार को निकाल सकता है, और वो इसी घर में है। इसीलिए ये तलवार खुद ब खुद यहाँ आई है। इसका मतलब ये काम दैविक या दावंश में से कोई एक कर सकता है। विधि का यही विधान है पिया, इसे टालने की कोशिश मत करो। मुझे पूरा विश्वास है तुम इस तलवार को निकाल सकती हो। गुड़िया नहीं, अगर ये तलवार यहां से बाहर निकली तो अंजाम बहुत बुरा होगा, अंत हो जाएगा इस दुनिया का। अगर ऐसा है भी, तब भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी मां। तुम करोगी पिया। तुम क्या बोल रहे हो अंश? तुम जानते हो ये तलवार कितनी खतरनाक है, अगर इसे पत्थर से निकाल दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। निशान जी, ये अंश को क्या हो गया? भाभी, ये क्या कह रहा है? हाँ अंश, अंश क्या हो गया? तुझे क्या बोले जा रहा है? हथियार खतरनाक नहीं होते, हथियार चलाने वाले हाथ खतरनाक होते हैं। पिया, तुम दैविक हो, तुम्हारे हाथ में अगर वो तलवार आ भी गई ना तो भी किसी को नुकसान नहीं होगा। तलवार निकालो पिया। पिया प्लीज जाओ।
कमाल है, दैविक से भी तलवार नहीं निकली। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक ही मतलब है, ये तलवार रीवा वंशियों के लिए नहीं है। सही कहा, ये तलवार डायन वंशियों के लिए है। जाओ अंश, तुम कोशिश करो। अंश, ये तलवार तुम्हारे हाथों में भी उतनी ही सेफ है जितनी मेरे हाथों में। अंश मेरी बात सुनो, ऐसा मत करना। नहीं अंश, अंश रुक जाओ। अंश ये कैसे हो सकता है? धावांश और दैविक में से कोई भी इस तलवार को नहीं निकाल पाया। तुम चारों से ये तलवार नहीं निकली तो फिर और कौन? इसका मतलब ये तलवार कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। शायद सबके हित के लिए यही सही है। नहीं, विधि का विधान बदल नहीं सकता। विधि का विधान गलत कैसे हो सकता है? लेकिन अगर कोई इसे निकाल ही नहीं पाएगा तो किसी का खून कैसे बहेगा? जो भी है, इस तलवार का ना निकलना ही सही है। चेतारी? मुन्ना, विधि का विधान कभी गलत नहीं हो सकता। आखिर जिस वक्त का हमें इंतजार था वो आ गया। मैं जानता हूं, लेकिन इस तलवार की मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आम इंसान नहीं टिक पाएगा। लेकिन अंश भैया, मैं जानता हूं वो संभल जाएंगे, हम नहीं संभल पाएंगे। मैं निकल जाऊंगा। प्लीज,
चले प्लीज।